Hello, my dear students. So this lecture is for second standard, and we are going to study the continuation of the chapter The Monkey's Orchestra. Okay, हम लोग The Monkey's Orchestra का chapter complete करेंगे. I have already explained you. मैंने आपको explain किया chapter. Now we will just go through the remaining part. जो भी हमारा remaining part है हम वो continue करेंगे. If you have not seen the first lecture, first see the first lecture and then go to the lecture number 2. So I will take a short summary on the chapter. मतलब मैं आपको chapter एक short में explain करूँगी. What is the chapter about? Chapter किस बारे में? Chapter is about the two friends. The name of the friend was Mowgli and Bhalu. Once upon a time, there were two friends named Mowgli and Bhalu. They love to sing song and dance. वो दोनों को क्या पसंद है? They love to sing song and dance. Mowgli used to sing song and Bhalu used to dance. They used to sing the song but were sad as there was no music. वो song तो गाते थे लेकिन क्या थे? वो sad थे. Why they were sad? क्यों sad थे? क्योंकि उनके जो song में music ही नहीं था और वो सिर्फ ऐसे गाए जाते थे विदाउट म्यूजिक. अदर एनिमल्स यूज टू लिसन द सॉन्ग. जो दूसरे एनिमल्स थे लाइक मंकीज, रैबिट्स, जिराफ, देर आर मैनी एनिमल्स डैट लिव इन द जंगल. बहुत सारे एनिमल्स जंगल में रहते. दे ऑल यूज टू लिसन द सॉन्ग. वो सारे सॉन्ग सुनते थे बट देवर ऑल्सो सैड कि सॉन्ग तो है बट उसमें म्यूजिक नहीं है. वन डे मंकी ऑफर्स देम अ हेल्प. मंकीज क्या बोलते हैं उनको कि हम आपकी हेल्प, तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं. तुम सॉन्ग गाओ और हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? म्यूजिक बजाएंगे. दैट विल क्रिएट अ फंटास्टिक सॉन्ग. मतलब वो एक अच्छा एकदम स्वीट सा एक ब्यूटिफुल सा सॉन्ग बन जाएगा. सो वॉट डिड मंकीज डू? मंकीज ने क्या किया? डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करें. जैसे हम अभी सॉन्ग क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं. बट मंकीज के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते क्या? नो. सो वॉट दे यूज़ द ब्रांचेस यूज़ करें उन्होंने. देन दे यूज द ड्राइड गार्ड्स. ओके, देन दे यूज और उन्होंने ड्रम के लिए क्या यूज़ करा? हॉलो ट्रंक मीन्स ट्रंक, झाड़ का जो ट्रंक रहता वो लोगों ने स्टेम जो रहता उस वो जो खाली हो जाता सूख जाता झाड़ वो यूज़ करें ताकि वो तबले के जैसे उसको साउंड बना सके. सो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें जो जंगल में उनको आसानी से मिल सकती थी और जिसके वजह से वो सॉन्ग म्यूजिक बना सकते. सो दे क्रिएटेड म्यूजिक. उन्होंने म्यूजिक बनाया अलग अलग चीज़ों से. एंड ऑल ऑफ देम एंजॉयड अलॉट विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ सॉन्ग. एंड दे ऑल द एनिमल्स एंजॉयड द सॉन्ग वेरी वेल, हैड अ ग्रेट टाइम बाय हेल्पिंग ईच अदर. तो इनका टाइम कैसे अच्छा हुआ? हाउ डिड दे एंजॉय? विद बाय हेल्पिंग ईच अदर. मतलब एक दूसरे को हेल्प करने से वो सारे क्या हो गए? इन्जॉय करने लगे. अगर सिर्फ ये सॉन्ग गाते और एनिमल्स देखते तो वो सब इन्जॉय कर सकते थे क्या? नो. सो जैसे ही मंकीज ने उनको हेल्प किए, म्यूजिक क्रिएट हुआ, म्यूजिक के साथ सॉन्ग, देन दे ऑल गेट टुगेदर मीन्स दे डिड अ टीम वर्क. उन्होंने कौन सा वर्क किए? दे डिड अ टीम वर्क. मतलब सब एक साथ मिलकर कुछ अच्छा बनाना. ओके, दे हेल्प ईच अदर. मतलब एक दूसरे की मदद करके उन्होंने एक ब्यूटिफुल सा सॉन्ग बनाए. नेक्स्ट वी विल गो टू रिमूव योर टेक्स्ट बुक. आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है आपके पास वो रिमूव करो. पेज नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. ओके, पेज नंबर 6A. आप लोग आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है वो रिमूव करेंगे उसमें पेज नंबर 6. ओके, जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन. आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं जो भी आपको बोल रही हूँ मैं आप स्क्रीन पर लिख रही हूँ. सो एंड फर्स्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है पेज नंबर 6 पर. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन MOWGLI मोगली, LIDE IN TH द
जंगल. वेयर डिड मोगली लिव? मोगली कहाँ रहता था? मोगली लिव इन दी जंगल. JUNGLE जंगल. JUNGLE जंगल. सेकेंड डैश द बियर. THE द BEAR बियर. WAS वॉज. MOWGLIS मोगलीज. FRIENT फ्रेंड. मोगलीज फ्रेंड. वो बियर का नाम क्या था जो मोगली का फ्रेंड है? द नेम ऑफ द बियर वॉज भालू. BALO भालू. द नेम ऑफ द बियर वॉज भालू. THE द डैश MADE मेड. अ LOT लॉट. OF ऑफ. NOISE नॉइज. किसने नॉइज बहुत सारी नॉइज बनाई? किसने म्यूजिक क्रिएट किया? मंकीज. MONKEYS मंकीज. MONKEYS मंकीज. द मंकीज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज. मोगली. फर्स्ट वन इज मोगली लिव्ड इन द जंगल. भालू. द बियर वॉज मोगलीज फ्रेंड. द मंकीज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज. द THE MONKEYS monkeys. USED used a dash LOG log AND and DRIED dried. So the monkeys used a hollow. Hollow means khali, empty. HOLLOW hollow. Hollow means empty. The monkeys used a hollow log and dried guards. GURDS guards. Okay. Guards are like this in shape. मतलब वो एक lollipop की जैसे shape में. They are known as guards. Okay. TO2 MAKE make MUSIC music. The monkeys used a hollow log. Log means wood. Wood का टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? Wooden. Wood के piece को हम क्या बोलेंगे? Log. Piece of wood is known as log. And dried guards to make music. THEY they. ALSO also. TIED tied. LONG long. PANTS pants. TO2 sorry, it's plants, not pants. Okay. THEY they. ALSO also. TIED tied. LONG long. PLANTS plants. TO2 branches. BRANCHES branches. BRANCHES branches. TO2 PLAY play. MUSIC music. They also tied long plants to branches to play music. वो लोगों ने क्या किए? जो plants है उसको क्या tie किए? Branches. Okay, to make music like in this shape. BALOO भालू. STARTAD started. TO2 DANCE dance. DANCE dance. AND and SING sing.
भालू स्टार्टेड टू डांस एंड सिंग. ओके सो हियर यू पॉज द वीडियो एंड कॉपी वॉट एवर इज गिवन ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर बी. सॉरी ओके नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर बी. आई एम राइटिंग योर क्वेश्चन नंबर बी. हू डब्ल्यू एच ओ हू एस ए आई डी सेड पी एच ई एस ई डीज एस ई एन टी ई एन सी ई एस सेंटेंसेस. हू सेड दिस सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर बी पेज नंबर सिक्स. पेज नंबर सिक्स पर फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे हु सेड दिस सेंटेंसेस आपको क्वेश्चन नंबर बी दिया है. जस्ट लुक एट दैट. फर्स्ट इज डब्ल्यू एच ए टी व्हाट अ बी ई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटिफुल एस ए एन एस ओ एन जी सॉन्ग. व्हाट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. किसने कहा व्हाट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. भालू. Who said this sentence? B-A-L-O-O. Bhalu. Next is W-E-V-W-I-L-L. Will. M-A-K-E. Make. We will make. M-U-S-I-C. Music. F-O-R. For. Y-O-U. We will make music for you. So, who said this? Answer is M-O-N-K-E-Y-S. Monkeys. किसने कहा ये? Monkeys ने. Next, third one is W-H-A-T. What? A W-O-N-D-E-R. Wonder. F-U-L. Full. M-U-S-I-C. Music. B A N D band. Y O U M A K E make. What a wonderful music band you make. Who said this? Mowgli. M O W G L I. Mowgli. So see, आपको questions लिखने की जरूरत नहीं है. ये questions आपके textbook में ऑलरेडी दिया है. सिर्फ आप आंसर्स कॉपी करेंगे. लाइक यू विल कॉपी. आप लोग भालू आंसर में लिखेंगे. भालू मंकीज एंड मोगली. ओके सो पॉज दिस वीडियो हियर एंड जस्ट राइट द आंसर्स. ये वीडियो यहाँ पॉज करो और आंसर्स लिखो. ओके नाउ वी विल नेक्स्ट गो टू द क्वेश्चन आंसर. फिर हम अभी क्या देखेंगे. क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं. आप लोग आपकी रफ बुक है या वॉट एवर बुक यू आर यूजिंग, जो भी बुक आप यूज़ करें उसमें क्वेश्चन एंड आंसर दोनों भी कॉपी करेंगे. ओके द फर्स्ट इज डब्ल्यू एच वाई वाई डब्ल्यू एस वॉज एम ओ डब्ल्यू जी एल आई मोगली ए एन डी एंड बी ए एल डबल ओ भालू एस ए डी सैड. Why was Mowgli and Bhalu sad? A S as T H E I R there. W A S was N O no. M U S I C music. T O 2 T H E the S O N G song. As there was no music to the song. Why was Mowgli and Bhalu sad? क्या पूछ रहे हो? क्या what they are asking us? क्या कि भालू और मोगली sad क्यों थे? हमें पता है भालू और मोगली sad क्यों थे? क्योंकि ले उनके पास song के साथ music ही नहीं थी, इसीलिए वो क्या थे? sad. So as there was no music to the song. Second one, H O W how D I D did. M-O-N-K-E-Y, monkey, H-E-L-P, help, T-H-E-M, them. How did monkey help them? Okay, monkey ne unki kaise help ki? Monkeys
MONKEYS monkeys, HELP help, THEM them, BYY CREATING creating, SOUND sound, AS as sound as a, okay, sound, AS as a MUSIC music. So monkeys help them by creating sound as a music. Next, third one is D I did A double L all O F of T H E M them E N J O Y enjoy T H E the M U S I C music did all of them enjoy the music Y E S yes they all enjoy the music T H E Y they A double L all E N J O Y enjoy T H E the M U S I C music yes they all enjoy the music okay so दिस आदि क्वेश्चन आंसर ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करिए नेक्स्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स पेज नंबर 6 अगेन ये भी आपका कौन से पेज पर है पेज नंबर 6 सो नाउ यू एन अन एस सी आर ए एम बी एल ई अन स्क्रम्बल टी एच ई द W O R D S words T O 2 F I N D find O U T out N A M E S names O F of H O M E S homes O F of A N I M A L S animals unscramble the words to find out names of homes of animal तो हमको ये words unscramble करना means ये see V E C A कोई चीज का वेका कोई चीज का नाम होता है क्या no some कुछ sentence बनता है कुछ word बनता है no तो ये words क्या है scrambled किए मतलब mix किए तो हम उसको कहते हैं इसको proper way में लिखना है ताकि वो क्या बने bear कहाँ रहता है ये उसके homes के नाम बने animals के homes के नाम बन ओके सो फर्स्ट वन इज अ बी ई ए आर बियर एल आई बी ई एस लीव्स आई एन इन अ बी ई सी ए नो बियर्स लिव इन अ केव सी ए बी ई केव बियर्स कहाँ रहते हैं केव में सी ए बी ई केव सेकेंड अ बी आई आर डी बर्ड L I B E S leaves I N in a T E N S tents no the birds live in a nest N E S T nest birds कहाँ रहते they live in a nest a D O G dog L I V E S leaves I N in a L E N K E N Lincoln no dogs live in a canal K E double N E L canal okay A N N E L E P H A N T elephant L I B E S leaves I N N O N E L U G J Where elephants live in a jungle. Okay. J U N G L E jungle. Elephants live in a jungle. A H O R S E horse. L I V E S leaves. I N N A B A T S L E
Batson, no. Horse live in a stable. S T A B L E. Stable. Horse live in a stable. A L I O N, lion. L I B S, leaves. Iron in a N E D, ned. Lion live in a net. No, lions live in a den. D E N, den. A H E N, hen. L I B E S, leaves. Iron in a poco. No, hens live in a cob. C double O P, cob. Cob. Okay. Bear lives in a cave. A bird lives in a nest. A dog lives in a kennel. An elephant lives in the jungle. A horse lives in a stable. A lion lives in a den. A hen lives in a cob. Okay. Now next we will go to the page number. Okay, this is who said to whom. I have already given to you. Yeah, who said to whom? आपको मैंने पहले लिखकर दे दी. So the answers I am writing. मैं सिर्फ यहाँ पर आपको answers लिखूँगी. Okay. Page number 6, same. Okay. Next we will go to understanding rules. You have learned that words that name people, place, animal and things are called naming words. Naming words are known, also known as nouns. हमने पहले ही पढ़ा है, what is noun? Noun is a name of a person, place, animal or thing. कोई भी चीज का नाम, कोई भी इंसान का नाम, कोई भी जगह का नाम या कोई भी जानवर का नाम, हम उसको क्या बोलते हैं? We call it as noun. For example, monkey, sister, house, windows. These all are noun. When we write name of a people, place, animal and thing in a general way, they are called common noun. Common noun means कि हम किसी person का नाम, किसी place का नाम, किसी animal का नाम एक general way में बोला, मतलब अगर हम यहाँ पर cat बोलेंगे तो कहीं पर भी जाओ हम वो animal को cat ही बोलेंगे. Wherever, अगर हम यहाँ पर कोई पेन को पेन बोलता है तो इवन वी गो, अगर हम कोई और कंट्री में भी जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? पेन. जो हमें पढ़ाता हम उनको क्या बोलते हैं? टीचर. तो हर जगह जो हमें पढ़ाता है उनको क्या बोलेंगे? हम टीचर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन जो हर कोई वो चीज़ सेम नाम से बुलाता हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, टीचर, सिटी, हॉर्स, पेंसिल. When we use noun for a specific person, place or things, they are called proper noun. अगर हम कोई specific चीज़ के लिए, means एक कोई particular एक ही चीज़, like हमारा नाम है, my name is रिया. रिया सिर्फ किसका नाम होगा? मेरा. तो ये क्या होगा? specific. अगर क्लास में कोई हमारा नाम बोलता तो हम जल्दी से टर्न होकर देखते. क्यों? क्योंकि लिए वो क्या है? सिर्फ हमारा नाम है. तो इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक नेम. इंडिया. इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है. वी लिव इन इंडिया. जैसे दूसरे दूसरे कंट्रीज है, इंडिया, फ्रांस, इटाली, बैंगलोर, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नेम है, अलग अलग स्टेट्स के नेम है. वो स्टेट्स का नाम कोई और स्टेट रखता क्या? नो, इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक, मतलब सिर्फ वो उसी का नाम है. सो अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगैन विद कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता? हमेशा कैपिटल लेटर. लाइक रीना, राहुल, इंडिया, मुंबई. ओके, सो दिस वर्ड, ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, नाउन के दो टाइप्स है. सो द टू टाइप्स ऑफ नाउन आर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो नाउन के जो, व्हाट आर द टू टाइप्स? वन इज कॉमन नाउन एंड अनदर वन इज प्रॉपर
नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन मीन्स जो जनरली यूज करते हैं हम, एंड प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक जो हम पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते. फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन इज पेंसिल, पेन, इरेजर, ओके, देन वी कॉल टीचर, स्टूडेंट्स, दीज दिस ऑल आर कॉमन नाउन. बट प्रॉपर नाउन इंडिया, ओके, देन रीना, नेम, राहुल, रवि, प्रॉपर स्पेसिफिक नेम एक्सेट्रा, ओके, यू आर ऑल्सो एक्सेट्रा. सो दिस इज नोन एज प्रॉपर नाउन एंड दिस इज नोन एज कॉमन नाउन. ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. इंडिया एक ही कंट्री का नाम, सो इट इज नोन एज प्रॉपर नाउन, पी एन फॉर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पी एन, एंड कॉमन नाउन के लिए सी एन. सी एन फॉर कॉमन नाउन, पी एन फॉर प्रॉपर नाउन. इंडिया पी एन प्रॉपर नाउन, कंट्री हर कोई यूज करता कंट्री वर्ड, सो इट इज कॉमन नाउन. नेक्स्ट रिया इज अ प्रॉपर नाउन, विलेज इज अ कॉमन नाउन. वी ऑल राइट विद द हेल्प ऑफ पेन, पेन इज कॉमन नाउन. औरंगाबाद हैज लॉट ऑफ हिल स्टेशन, औरंगाबाद प्रॉपर नाउन. हिल्स, हिल इट्स अ कॉमन नाउन. गोवा हैज लॉट ऑफ बीचेस, गोवा प्रॉपर नाउन, एंड बीचेस कॉमन नाउन. सो राइट विद, पॉज द वीडियो एंड राइट विद द एग्जाम्पल्स. ओके, नेक्स्ट दिस इज योर होमवर्क. इन योर होमवर्क यू विल लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स 3 times, विच इज गिवन टू यू. दिस आर दी क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको होमवर्क में 3 times सीखना है. ओके, नेक्स्ट लर्न एंड राइट फिल द ब्लैंक्स 3 times. लर्न एंड राइट हु सेड दिस वर्ड टू हूम 3 times. यू विल राइट who said this 3 times and fill in the blanks, this fill in, 6 fill in the blanks 3 times. Okay, plus or aap homework mein common noun and proper noun ki definition aur examples learn karein. Okay, ye hai aapki definition, ये डेफिनेशंस और एग्जांपल्स यू विल लर्न एंड राइट इट 2 times. आई एम राइटिंग हियर, लर्न एंड राइट डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर and common noun two times. Okay, thank you and see you in the next lecture.